ये देखें दोस्तों आलू को किस हिसाब से काट रहा है, एकदम लेवल का, जैसे हम घर में कटिंग कर देना वैसे कटिंग की है। दोस्तों आपके घर की लड़ाई हो गई एकदम खत्म, अभी कोई नहीं बोलेगा कि ले सब्जी काट। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक ऐसा जुगाड़ बना डाला है जो कि ऑटोमेटिक सब्जी कट करता है। अभी इसको मैंने बनाया कैसे वो देखिएगा। हाय एवरीवन, अरे यार वीडियो स्टार्ट करते ही लग जाते हैं, एक सेकंड रुको, मम्मी आ रही है। यहाँ पर सब्जी रखी हुई है, ले जा सब्जी काट दे। मैंने अभी वीडियो स्टार्ट की है, ले सारे दिन वीडियो वीडियो के लगे रहता है, सब्जी काट फटाफट। अरे अब यार क्या कहूँ, वीडियो बनाएं या फिर सब्जी काटें। मैं मिर्च वगैरह वगैरह नहीं काटूंगा, मिर्च और प्याज का तो स्पेशल काटूंगा नहीं, उनमें रोना पड़ता है। क्या करें दोस्तों, अब क्या करें यार, करें तो करें क्या करें, वीडियो बनाए या फिर सब्जी काटे, मतलब पूरा पंगा हो गया। तो चलिए फटाफट मैं सब्जी लेके आता हूँ। जादू मंत्र कॉल कलंत्र, जादू मंत्र कॉल कलंत्र, यहाँ पर आ गई दोस्तों सब्जी। यार इसको तो मैंने प्रकट कर दिया लेकिन कटेगी नहीं मेरे जादू से, ये इसको काटने के लिए एक मशीन बनानी पड़ेगी जो आज हम वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि आप भी मेरी तरह रो रो के काटते होंगे मुझे पता है, मतलब आपकी आज जो प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज इस ब्रांडेड वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों आज आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा, आज वाली वीडियो का प्रोजेक्ट आपने बना डाला तो सारी प्रॉब्लम जिंगा लाला। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट करिए, आप डेली वीडियो देखते हो। तनु एक बार कर बेटा पसंद नहीं होना, मैं आपका भाई तनु सर दो यार सब्सक्राइब, मतलब क्या पंजाबी बोली है क्योंकि मैं राजस्थान से हूं। तो चलिए फटाफट आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। अरे यार इसकी तो लगती है साला। यहाँ पर दोस्तों मैं लेके आया हूँ एक पीवीसी पाइप की सीट और इसके ऊपर क्या मॉडिफिकेशन करते हैं देखते रहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास मोस्टली वही मोटर है जिनका हम प्रत्येक प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है 775 डीसी मोटर। दोस्तों इस 775 डीसी मोटर की स्पीड काफी हाई होती है लेकिन टॉर्क बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी सब्जी काटेगी भी नहीं है, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे, इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर है भाई ये गियर मोटर, ये 150 आरपीएम की, बल्कि ये है मात्र 100 आरपीएम की। अब बात आती है भाई इन दोनों मोटर में से कौन सी को हमें यूज करना है, तो हम तो इसी को ही करेंगे। आपको पता है हम तो बड़े लेवल पर बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हो, इसकी लाइफ थोड़ी छोटी होगी, छोटे छोटे आप सब्जी काट पाओगे इससे, तो मतलब ज्यादा हैवी सब्जी नहीं कटेगी, तो हम इसका यूज करेंगे एकदम तगड़े लेवल वाला। यहाँ पर दोस्तों लेके आया हूँ मैं कटर जिससे सब्जी की कटिंग होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों इस कटर को बाहर निकालते हैं, ये देखे नॉर्मली ऐसे ये निकल जाता है, और यहाँ पर अपने पास ये ब्लेड बच गया, बस इसी का ही हमें यूज करना है। ये देखिए एकदम न्यू है, इसी को हमने थोड़े दिन पहले ही मंगाया था, तो आप जाके वीडियो भी देख सकते हो, काफी सारा सामान मैंने मंगाया था। अब बात है भाई कि इसको सामने की साफ पर इसे रोकना है, अब रोकने का जुगाड़ देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं 5 रुपए का खर्चा कर रहा हूँ, ये देखिए ये लेके आया हूँ मैं गोटी जो कि आपको पुरानी मिल जाएगी, जो कूलर की प्रोपेलर होती है उसके अंदर, तो देखते रहिएगा मैं क्या कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ इसके अंदर। फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे तो काफी अच्छे तरीके से रेडी कर दिया, और ये देखिए वर्क भी कर रहा है, बस हाथ ना कट जाए इससे। अब बात आती है भाई फिट बैठाने की, तो ये रही वो पीवीसी पाइप की सीट, और इसके ऊपर हमें थोड़ा सा नहीं काफी ऊपर रखना पड़ेगा जिससे ये नीचे अटैच भी ना हो। तो चलिए एक छोटा सा स्टैंड बनाते हैं जिसके ऊपर इसकी फिटिंग करते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्टूल तैयार कर लिया, और अभी मैं आपको इसका साइज दिखाता हूँ। ये देखिए 9 सेंटीमीटर एंड इस हिसाब से है ये लगभग 11 सेंटीमीटर, ये देखिए 11 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है लगभग 8 सेंटीमीटर, ये देखिएगा। तो अपने हिसाब से आप थोड़ा छोटा बड़ा इसे रख सकते हैं। अब बात आती है भाई इस मोटर को फिट करने का, तो यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन बताने वाला हूँ, दोनों मैंने आपके लिए बनाए हैं। ये देखो एक तो ऐसा क्लैंप बना लेना है जैसे मैंने हीट गन से अभी बनाया था, और ये हम लगा देंगे इसके ऊपर की साइड, एक तो आप इससे रोक सकते हो। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आप पीवीसी पाइप का टुकड़ा टाइट कीजिएगा, अभी इसके स्पोर्ट लगाने के लिए दो कुछ इस हिसाब से आप छोटे पीस कट कर सकते हो पीवीसी पाइप की सीट के, और ये दोनों लगने वाले हैं दोनों साइड। आप चाहो तो ये क्लैंप भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यही जुगाड़ लगा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट इसको फिट करते हैं, दोनों सेम है, कौन से का भी यूज कर लो। अभी दोस्तों मैं आपको फिट करने की कुछ कंडीशन बता देता हूँ। इस मोटर को हमें पीछे की साइड एकदम इसके अटैच होता हुआ चलना चाहिए ये कटर, और इस कटर की धार देख लेनी आपको नीचे की साइड होनी चाहिए जिससे आसानी से कटिंग कर सके, और मैं कुछ इस हिसाब से इसको लगाने वाला हूँ। यहाँ पर फिट कर देते हैं, और देख लेना एकदम फ्री रोटेट भी करना चाहिए, एकदम इसके पास से जाना चाहिए।
फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने मोटर को काफी अच्छे तरीके से लगा दिया, ये तो नॉर्मल काम है। अब बात आती है अभी इसको फिट करने की, वरना सब्जी कटेगी नीचे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना जो कि मैंने शुरुआत में लिया था और इसको फिट कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल इस हिसाब से कर देते हैं हम, जिससे सब्जी कटेगी वो सारी आगे गिर जाएगी। फाइनली दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट को मैंने इतना कंप्लीट कर दिया। अब बात आती है इसके मेन पॉइंट पर, वो होगा भाई छोटे पीस कट करने, बड़े बड़े पीस कट करने, पतली सब्जी कट करनी, मोटी सब्जी कट करनी। अब इसके लिए हमें मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीड कंट्रोलर, सारे रोगों का निदान वही कर देगा, स्पीड कंट्रोलर इसके अंदर लगाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है इसका स्टेप है। तो यहाँ पर मेरे पास स्पीड कंट्रोलर एक ही है जो कि मैंने कल इस प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो फटाफट इससे अंदर से निकालते हैं। और ये है भाई कटर, ऑटो कटर, आप इसको कहीं पर रोटेट करके कट कर सकते हो। खैर इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया, आप जाके अपने चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो चलिए फटाफट इसके अंदर से स्पीड कंट्रोलर निकालते हैं और इसके अंदर फिट कर दें। यहां पर दोस्तों मैंने स्पीड कंट्रोलर को लगा दिया और एक बार मैं आपको इसके कनेक्शन समझा देता हूं। इसके नीचे डबल साइड टेप लगा दिया और ये देखिए इसके ऊपर साफ लिखा होता है पावर का, मोटर का। यहां पर आपको बैटरी का देना है और बैटरी वाला सीधा मैंने दे दिया 12 वोल्ट इनपुट सॉकेट के लिए। इन दोनों को मैं यहां पर एक साइड चिपका दूंगा, तो इस पर मैं कलर भी करके लेके आ गया हूं। चलिए दोस्तों फटाफट चिपकाते हैं और उसके बाद इसकी करते हैं लाइव प्रूफ टेस्टिंग। फाइनली दोस्तों पूरे एक दिन की मेहनत के बाद यहां पर तैयार होके आ गया अपना पूरा का पूरा वेजिटेबल कटर। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसके ऊपर कलर भी कर दिया था जो कि आपने देख लिया होगा, और भाई इसका सारा कनेक्शन यहां पर मैंने सेट कर दिया। अब बारी है इसकी एकदम लाइव प्रूफ टेस्टिंग करने की, तो फटाफट वही सब्जी लेके आते हैं जो सुबह लेके आया था, शाम हो गई, पूरा एक दिन का टाइम लगा। ले लो सब्जी है, आलू है, प्याज है, मटर है ही नहीं, मिर्ची है, तो चलिए फटाफट इनको काटते हैं। रुको दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई अगर आप मेरी तरह कुछ जानते नहीं है, बच्चे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी घर पे मत बनाइएगा, बस देख लो मजे ले लो। क्योंकि भाई इसके अंदर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, अगर अंगुली चली गई तो अंगुली पूरी उम्र वापस नहीं आएगी, मतलब पूरी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए फटाफट इसकी लाइव प्रूफ टेस्टिंग कर दें। और मैं आपको बता दूं इस पर आपको कलर भी नहीं करना है, मैंने कलर इसलिए किया है ताकि थंबनेल में आपको ये दिख जाए। अभी मैं बताऊं तो आपको कलर नहीं करना है, क्योंकि कलर में केमिकल हो जाएगा अपना अंदर, तो दिक्कत करेगा। चलिए दोस्तों फटाफट इसकी लाइव प्रूफ टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट कितना वर्क कर रहा है। यहां पर दोस्तों मैं चलाने के लिए बाइक की बैटरी का यूज कर रहा हूं, आप 12 वोल्ट के अडैप्टर का भी यूज कर सकते हो। तो इस सॉकेट के अंदर हमें नॉर्मली इनपुट देना है। यहां पर दोस्तों मैंने इसको इनपुट दे दिया, आपको ध्यान रखना है कि भाई वायर ऐसे कनेक्ट करनी है कि भैया एकदम सीधी साइड में चले, यानी कटिंग करने वाली साइड में चले, उल्टी साइड में न चले। तो अभी आपके सामने चला के दिखाता हूं, मैं इसको थोड़ा सा चलाते हैं पहले। और भाई ये हिल क्यों रहा है, डबल साइड टेप से मैंने इसे चिपकाया था, तो चलिए स्टार्ट कर दें। और ये देखिए, ओ भाई चलने लग गया, बिल्कुल कम स्पीड है दोस्तों इसकी, ये देखिए, ओ भाई। यहाँ पर दोस्तों मैंने फुल स्पीड इसकी कर दी है, ये देखिए काफी अच्छे से चल रहा है। अभी इसकी टेस्टिंग हमें करनी है भाई, काटेगा या फिर नहीं काटेगा। एक चीज दोस्तों आपने देखी हो तो भाई बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं है, एकदम बैलेंस के अंदर ये चल रहा है। तो चलिए अभी आपके सामने लाइव प्रूफ टेस्टिंग कर रहे हैं। यहां से मैं इसको थोड़ा सा स्पीड कर देता हूं, और पहले हम यहां पर बिल्कुल मैंने कम स्पीड इसकी कर रखी है। चलिए सबसे पहले आलू काट के देखते हैं। यहां पर मैं आलू लेके आया हूं, ये देखो भाई हाथ भी कट सकता है, इसके अंदर सेफ्टी टूल नहीं लगाया, वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा मैं। चलिए यहां से मैं कटिंग करता हूं, वाह काट तो रहा है दोस्तों बिल्कुल स्लोली स्पीड में, ये देखिए, वो भाई रुक गया आपकी बात। ये देखिए मैंने बंद कर दिया है एंड इसको निकालते हैं, अभी इसकी स्पीड फुल बढ़ाते हैं, ये देखिए अब काट के देखेंगे। ये देखिए दोस्तों एकदम मक्खन की तरह कटिंग कर रहा है, वो भाई नीचे चला गया, क्योंकि भाई इससे हाथ भी कट सकता है। अभी दोस्तों मैंने एक साइड पीवीसी पाइप का टुकड़ा इसके लगा लिया है, चलिए अभी आपके सामने चलाते हैं इसे। यहाँ पर फुल स्पीड मैंने कर दी है इसकी, और अभी देखना वो भाई क्या मक्खन की तरह कटिंग कर रहा है, नंबर वन। वो भाई आधा तो नीचे जा रहे हैं, मतलब इसके चारों तरफ बोटी भी हमें बनानी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने इससे पूरे का पूरा एक आलू है वो काट दिया है, और अभी ये पीवीसी पाइप का टुकड़ा है जो अटैच हो जाएगा तो ये टूट भी सकता है कटर, तो इसलिए मैं इतना छोड़ देता हूँ। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर मैं प्याज को काट के देखता हूँ भाई प्याज काटता है या फिर नहीं, ये काफी हार्ड होता है आलू के मुकाबले। चलिए दोस्तों यहां से इसको शुरू करते हैं, फुल स्पीड रखना है और अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई काटता है या फिर नहीं। वो भाई काट रहा है, प्याज को भी काट रहा है,
इसके अंदर से शायद गेयर फ्री कर गया मेरे हिसाब से, वही बहुत ज़्यादा हमने दे दिया, थोड़ा सा थोड़ा देना है हमें। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन में पकड़ते हैं यार, मैंने इसको गलत तरीके से पकड़ रखा है। हाँ, अब कट करके देखते हैं। जैसा दोस्तों अभी आपने देखा है कि भी प्याज को काटते टाइम ये फंस रहा है, बार बार फंस रहा है। अब इसके फंसने का रीजन क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, आपको मैं पास से दिखाता हूँ एकदम। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो इस कटर के और यहाँ पर इस प्लास्टिक के बीच में जगह देखिए कितनी ज्यादा जगह पड़ी हुई है। अब इसको हमें असेंबल कैसे करना है, देखो इस जगह जगह को असेंबल करने से कुछ नहीं हुआ, ये केवल एक प्रोजेक्ट है, इसकी हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी चारों तरफ। अब ये देखो बिखर रहे हैं इधर उधर, तो यहाँ पर हमें बॉर्डर बनाना पड़ेगा और एक ऐसा जुगाड़ भी करना पड़ेगा पीछे की साइड जिसके अंदर हम सब्जी रख दें और ऑटोमेटिक आगे चलती, मतलब अपन को हाथ से दबाना नहीं पड़े जिससे हमारे हाथ को पूरी पूरी सेफ्टी से काम करें, मतलब हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अभी चलिए एक आलू काट के और देखते हैं। ये देखें दोस्तों आलू को किस हिसाब से काटा है, एकदम लेवल का, जैसे हम घर में कटिंग कर देना वैसे कटिंग की है। लेकिन भाई प्याज काफी हार्ड होता है तो इसको इसने कट नहीं किया, कट तो कर रहा है ये देखिए, इसके अंदर ज्यादा नहीं लगाना है हमें। अब दोस्तों बात है कि ये तो घर के लिए यूजफुल नहीं है, मम्मी दादी तो कंफर्म इससे हाथ कटा लेगी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट लेके आना पड़ेगा। जल्दी मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, इसको पूरा एकदम एक्सट्रीम लेवल वाला बनाएंगे। इसके अंदर मोटर में भी मॉडिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसकी पूरी सेफ्टी के साथ करूंगा, रिचार्जेबल इसको बनाएंगे, मतलब मच्छिया पर बैठ के और आराम से इसको काट ले, कटिया पर बोलो या फिर पर जो भी बोलो। तो चलिए दोस्तों आज की इस ब्रांडेड वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। मतलब क्या है यार, ये पूरे दिन वीडियो पूरे दिमाग में घुसा रहता है, आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ठोक दो, क्योंकि ये पार्ट है वो जल्दी आ जाएगा अपने चैनल।